बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री पन्ना धाम की जय, बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनी ना छुड़ायो खिन, लाख तली लाल एड़िया मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं, पल ना वालू निरखो नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान प्यारे प्राण पिया के नूरी चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, कल ऐसा लगा कि सुंदर साथ जी को श्री केल का मूल, क्योंकि इनमें इतने प्यारे प्यारे वृक्ष हैं, उनको समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही, क्योंकि मुझे भी बहुत मंत्र लगे इनको समझने में, तो महसूस कर पा रही थी कि जितनी मुझे आई है उतनी ही आपको भी आ रही होगी। तो सेवा करने वाले सुंदर साथ थोड़े से बिजी भी हैं, तो मुझे लगा मेरे जैसी सुंदर साथ जिसने कभी कुछ ड्राइंग ही नहीं की, वो कैसे ऐसे कर सकती हैं। तो ये नक्शा हाथ से बनाने की कोशिश की पर हाथ से बन ही नहीं पाया। तो उसके बाद आप ये बताइए कि अब ये नक्शा किन्होंने बना के भेजा होगा, आप चैट में बताइएगा कि ये नक्शा, मैंने तो कोशिश की हाथ से बनाने की, बन नहीं पाया, तो आप मुझे बताइए चैट में ये किन्होंने बना के भेजा होगा, ये सेवा किन्होंने की होगी, एक बार बताइए, कोशिश कीजिए बताने की, फिर मैं आपको 2 मिनट में आंसर तो बता ही दूंगी। अरे वाह प्रियंका जी, मैं वही देखना चाहती थी, ये प्रियंका जी जैसा मैप लग रहा है। हाँ जी प्रियंका जी, वेरी गुड। और कौन बना सकते हैं ये सुंदर साथ जी? अरे वाह प्रभा बहन जी, क्या बात है, आप तो अपने टीम मेंबर का नाम लेंगे बिल्कुल, चांद कमल आंटी अति सुंदर, अंगना, अरे वाह क्या बात है, आशी दीदी बहुत सुंदर। हाँ जी, ये एक ऐसे सुंदर साथ ने बनाया जिसने कंप्यूटर पे कभी नक्शा ही नहीं बनाया था, तो ये मैंने कोशिश की थी सुंदर साथ जी बनाने की। आई होप कि मुझे पता था कि सोनिया का नाम आ ही नहीं सकता इसमें, क्योंकि आप मेरी ड्राइंग देख पाते हैं ना कैसी होती है, जिसमें से कुछ दिखाई भी नहीं देता, पर राज्जी दिल में लेने की बात होती है सुंदर साथ जी, राज्जी ऐसे करवाते जाते हैं उसके बाद कि आपको पता ही नहीं लगता कि हो क्या रहा है, पर इसमें बाद में इसका टचअप करने में, इसके कलर्स देने में आशीष जी ने मुझे बताया ये कलर प्यारा लग रहा है, ये कलर प्यारा लग रहा है। तो आप सब सुंदर साथ जी के आशीर्वाद से ये एक नक्शा बनकर कोशिश की है, तैयार की है, तो इससे आपको और जल्दी आई होप हम सब समझ पाएंगे और अपने दिल में उस शोभा को बसा पाएंगे। और सुंदर साथ जी, मैं आपको ना आज एक बात भी बताना चाहती थी। ईयर 1883 यानी 1883 का वो साल था, और एक नाम है जॉन रॉबलिंग, उन्होंने कोशिश की न्यूजीलैंड से, न्यूयॉर्क से लॉन्ग आइलैंड तक वो एक ब्रिज बनाना चाहते थे, यानी कि एक पुल बनाना चाहते थे, पर 1883 में इतना लंबा कोई भी पुल अभी तक बना नहीं था, तो सबने उनका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया कि ये इतना लंबा पुल आज के जमाने में ये नहीं बन सकता, तो वो
हार कर बैठे नहीं सुंदर सा जी, वो एक इंजीनियर थे, उन्होंने पूरी उसकी रूपरेखा, उसका खाका, उसका मैप, उसका सब कुछ तैयार किया, और उनका बेटा वॉशिंगटन वो भी एक इंजीनियर था, तो दोनों ने मिलकर तैयार किया। हिम्मत नहीं हारी, रिजेक्शन हुई, पर उन्होंने अपनी वर्कफोर्स तैयार करके उस पर काम करना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, किन्हीं कारणों से काम करते करते, उस पुल पर काम करते करते ही जॉन रॉबलिंग उनकी डेथ हो गई, उन्होंने अपना तन छोड़ दिया। पर वॉशिंगटन वहां पे सबने बोला मूर्ख हैं, ये नहीं करना चाहिए, पर वॉशिंगटन उनके बेटे ने हार नहीं मानी, उन्होंने बोला कि नहीं, मेरे पिताजी का सपना है, मैं कोशिश करूंगा। पर नियति देखिए, उनको ब्रेन हैमरेज हो गया, थोड़ी देर बाद वो करते रहे कुछ साल, फिर ब्रेन हैमरेज होने से उनका पूरा शरीर चलना बंद हो गया, केवल एक उंगली उनके शरीर की चलती थी, बाकी कोई अंग नहीं चलता था। पर उन्होंने कहा नहीं, ये जरूर पूरा होगा, अपनी पत्नी को उन्होंने एक उंगली से कोड लैंग्वेज बनानी शुरू की, अपनी पत्नी को अपनी बातें समझाना शुरू किया। 13 साल लगे सुंदर साथ जी बातें उनकी पत्नी पूरी समझकर, और बाकी की वर्क फोर्स जो उनके कारीगर लगे हुए थे उनको वो पूरे इंस्ट्रक्शंस देती रही। 13 साल के बाद वो पूरा ब्रिज बनकर तैयार हो गया, जो आज बहुत फेमस ब्रिज है वहां पर न्यूयॉर्क से। तो इससे हमें शिक्षा क्या मिलती है सुंदर साथ जी, परिस्थितियों को कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, कैसी भी परिस्थितियां हैं। एक उंगली चल रही थी केवल उनकी, पर उन्होंने उसी को अपना हथियार बना लिया, उसी उंगली को अपना हथियार बनाया, और उससे वो सफल हो गए। तो आज हमें भी, हम चितवन में बैठते हैं, दर्शन अभी नहीं होते हैं, पर हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमारे प्रियतम तो इतने मेहरबान हैं जो स्वयं तरस रहे हैं कि मेरी रूह मेरे पास आए तो सही, वो तो दर्शन देने को बैठे हैं सुंदर साथ जी। तो माया की परिस्थितियों को कभी स्वयं पर हावी ना होने दीजिएगा। चितवन चर्चनी हो, चितवन हो, श्री मुखवाणी मंथन, श्री बीतक साहेब, हमें रोज रोज उनको अपने दिल में बसाना है, ताकि इस माया की मैल हमारे ऊपर कभी ना चढ़ सके। तो आइए चलते हैं श्री केल का मूल। कल कुछ सुंदर साथ नहीं आ पाए थे उनके लिए भी, और थोड़ी कंफ्यूजन रह गई है उनके लिए भी। सबसे पहले सुंदर साथ जी मुझे चैटिंग में बताते जाइएगा, ये है हमारे श्री केल के मूल। तो श्री केल के मूल जो हैं, ये केल वन से बिल्कुल पहले जो आते हैं वो होते हैं केल के मूल। अब मुझे ये बताइए, अगर हमने इनकी लोकेशन बतानी हो सुंदर साथ जी, बड़ा सुंदर जवाहरदास महाराज जी ने लिखा हुआ है, ये देखिए, इनके उत्तर में, इनके दक्षिण में, किस प्रकार हम श्री केल के मूल, मुझे चैट में लिख के बताइए श्री केल का मूल जो है वो किनके दक्षिण में आया है, किस शोभा के दक्षिण में श्री केल का मूल आया है। इस मैप में से भी आप देख सकते हैं, ध्यान से प्रश्न को सुनिएगा, केल के दक्षिण में क्या आया ये नहीं पूछा, किस शोभा के दक्षिण दिशा में केल का मूल आया है। अति सुंदर, ये देखिए, ये मधुवन हमें दिखाई दे रहे हैं। अरे वाह, मधु दीदी को कैसे नहीं पता होगा, क्योंकि मधुवन ही तो है, सबसे पहला उत्तर दिया। तो ये देखिए, मधुवन के दक्षिण में केल वन। अब मुझे ये बताइए, केल के मूल या केल वन नहीं लिखा हुआ है महाराज जी ने इनको, क्योंकि ये एक्सटेंडेड केल वन है, केल के मूल के दक्षिण में क्या आया हुआ है। मधुवन के, श्री मधुवन के दक्षिण में श्री केल मूल, केल मूल के दक्षिण में कौन सी शोभा आई है। हां जी, श्री केल मूल के दक्षिण में, अति सुंदर अनीता दीदी, वी वर मिसिंग यू यस्टरडे। हाँ जी, अति सुंदर, सुंदर साथ के बिल्कुल सही उत्तर आते जा रहे हैं। ताड़वन, श्री ताड़वन इनके दक्षिण में आए, यानी ताड़वन और श्री मधुवन के बीचों बीच केल के मूल की शोभा आई। अब मुझे बताइए, किस शोभा के पूर्व में केल का मूल आया है, किस प्यारी सी शोभा के पूर्व में, केलवन के पूर्व में नहीं, किस प्यारी शोभा के पूर्व में श्री केल का मूल आया है। अरे वाह, अति सुंदर, वेरी गुड, आशी दीदी, मीनू दीदी, सुनैना भाभी, आशिमा जी, हां जी,
वेरी गुड, आते जा रहे मधु दीदी, ये देखिए सुनीता दीदी, विजय आंटी। तो श्री श्री बड़ो वन के पूर्व में श्री केल का मूल आया है। अब मुझे ये बताइए किस शोभा के पश्चिम में केल का मूल आया है, किस प्यारी शोभा के, जय श्री बेन अति सुंदर, किस प्यारी शोभा के पश्चिम में, नहीं इनके पश्चिम में क्या आया वो नहीं, वेरी गुड, एस नाम से सुंदर साथ अति सुंदर, केल वन के पश्चिम में श्री केल का मूल आया है। अब हमें सारी शोभाएं इनकी पता चल गई, इनके पूर्व में केल का वन, पश्चिम में बड़ो वन। अच्छा मुझे एक बात ध्यान से सोच के बताइएगा, श्री केल के मूल के पश्चिम में कौन सा वाला बड़ो वन आया है, 10 भौम वाला या फिर 250 भौम वाला? बड़ो वन तो बड़ो वन ही है। हाँ जी, श्री केल मूल के पश्चिम में कौन सा वाला? हाँ जी अति सुंदर, चांद कमल आंटी, डीपी सिंह जी, किरण जी, बहुत सुंदर। ये देखिए श्री केल के मूल के पश्चिम में 250 भौम वाला बड़ो वन आया हुआ है, बिल्कुल सही, अति सुंदर। हाँ जी अब हम चलते हैं श्री के, अच्छा आप मुझे जरा कोने बताइए थोड़े से, श्री केल के मूल के अग्नि कोण में कौन सी शोभा आई है, अग्नि कोण श्री केल मूल के अग्नि कोण में। मैं दूसरा नक्शा भी निकालती हूं ताकि और अच्छे से हमें दिखाई दे। हाँ जी इसमें देखकर बताइएगा जरा, और बड़े बड़े ध्यान से सोच के बताना पड़ेगा ये सुंदर साथ जी। ये देखिए ये हैं हमारे प्यारे केल के मूल, इनके अग्नि कोण में ये होता है अग्नि कोण, इसमें कौन सी शोभा आई है सुंदर सार जी? हाँ जी बिल्कुल सही, आप लिबोई वन कह सकते हैं, पर हमने यदि ताड़ वन को, सुंदर सार जी लिबोई वन सारे सुंदर साथ बोल रहे हैं, इस नक्शे में ऐसा ही दिखाई भी दे रहा है, पर जब हम और गहराई से करते हैं तो आपको याद है इनके अग्नि कोण में कौन सी शोभा आती है, आपको याद है सुंदर साथ जी? यहाँ पे, क्योंकि मैं आपको एक थोड़ा सा बताऊंगी, आपको याद है लिबोई वन तो यहीं पर फिनिश हो जाते हैं सुंदर साथ जी। ये देखिए लिबोई वन यहां पर, ये चल क्यों नहीं रहे, हाँ जी हाँ जी, तो ये हैं हमारे बिल्कुल केल वन। हाँ जी ये देखिए ये 10 मंदिर तक सुंदर साथ जी, यहां पर ही हमारे लिबोई वन खत्म हो जाते हैं और केल वन हमारे यहीं से शुरू हो जाते हैं। ये देखिए इस प्रकार, तभी तो ये 488 के हैं, तभी तो ये 488 के हैं, क्योंकि 10 मंदिर हमारे श्री ताड़वन ने ले लिए हुए हैं, तो 10 मंदिर वो यही वाले हैं, तो यहाँ पर पूरे ये केल वन आते हैं, यहाँ पे ये पूरा केल वन आता है। तो इनके अग्नि कोण में क्या हुआ फिर बताइए, इनके अग्नि कोण में कौन से वन आए सुंदर साथ जी? हाँ जी अरे वाह, इतनी सारी चैट आ गई है, मैं अपना पेन चेक कर रही थी, बिल्कुल सही आपने बताया, इनके अग्नि कोण में आएंगे श्री केल वन की शोभा। यदि यदि ये हम दोबारा रिपीट कर लेंगे यदि सुंदर साथ जी को कोई भी यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो। अब मुझे बताइए श्री केल के मूल के नैऋत्य कोण में कौन सी शोभा, ये कौन से वाले बड़ो वन आए हैं वो बताइएगा, श्री केल मूल के नैऋत्य कोण में कौन सी शोभा आई है, नैऋत्य कोण? हाँ जी वेरी गुड, उत्तर देते जा रहे हैं सुंदर साथ जी। हाँ जी बिल्कुल सही, 10 भौम बराबर 1 भौम वाले बड़ो वन की शोभा इस तरफ आई। अब जल्दी से बताएंगे इनके वायव्य कोण में, वेरी गुड सभी सुंदर साथ जी, बबीता दीदी अति सुंदर, सुषमा जी, हाँ जी मैं सुनैना भाभी, कोशिश करती हूँ नए नाम बोले जाएं। हाँ जी, तो
तो ये बताइए वायव्य कोण में, नीलम मिड्डा दीदी, वायव्य कोण में श्री केल मूल के वायव कोण में कौन सी शोभा आई, कौन से वाले बड़ो वन की। हाँ जी वेरी गुड, इधर आई है हमारे 250 भौम यानी 250 भौम ऊंचे श्री बड़ोवन की शोभा। कौन सा कोना रह गया, वेरी गुड डीपी सिंह जी, अति सुंदर। हाँ जी बहुत सारे सुंदर, साथ के 100 से ऊपर उत्तर हो चुके हैं चांद कमल आंटी, इससे पता लगता है कि आपके दिल में वो शोभा बस रही है, वेरी गुड। अब ये हमने किया नहीं है अभी, पर फिर भी आप बता सकते हैं यहाँ पर कौन सी शोभा आई है सुंदर साथ जी, इनके कौन से में, ईशान कोण में, श्री केल मूल के ईशान कोण में, बिल्कुल सही। इधर ना सुंदर साथ जी, जिन्हों जिनको अभी नहीं पता हो, क्योंकि आई वॉज थिंकिंग सुंदर साथ सीख चुके हैं तो हम थोड़ा तेज जा रहे थे, आई रियलाइज नहीं, हमें स्लो डाउन होना है, आराम से करना है। तो ये पूरा जो हमें दिखाई दे रहा है ना सुंदर साथ जी, ये मधुवन है, इनकी भूमे अलग अलग हैं वो हम करेंगे, तो इनके ईशान कोण में मधुवन आए हैं। तो हाँ जी वेरी गुड सुंदर साथ जी, अति सुंदर। क्या आप बता सकते हैं कि ये मधुवन की कितनी भूमि है, जो जो मधुवन इनके ईशान कोण में आए हैं उनकी कितनी भूमि है। वैसे तो मधुवन की 500 भूमि होती है, पर जो मधुवन इनके ईशान कोण में आए हैं, वेरी गुड, ओपो नाम से सुंदर साथ, मधु दीदी अनीता दीदी अति सुंदर, इनकी केवल 10 भूमि, यानी के आप इस चांदनी पर चले जाइए 10 भौम, श्री ताड़वन की चांदनी 10 भौम, और यहाँ भी 10 भौम होगी, हम अभी करेंगे श्री मधुवन भी 10 भौम, तो आप इन सारी चांदनियों पर दौड़ते हुए जा सकते हैं। अति सुंदर, महाराज जी ने बड़ा प्यारा लिखा हुआ है, यहाँ पर हद मर्यादा के लिए कठेड़ा लगा हुआ है, ऐसा नहीं लिखा कि कठेड़ा हट जाता है, उन्होंने पता है क्या लिखा है, कठेड़े में बीच बीच में जाने के रास्ते बने हुए हैं। आप कभी पार्क में गए हो ना सुंदर साथ जी, हम लोग एक पार्क में गए तो मैंने वहां नोटिस किया, आप पार्क में देखते हैं ना वहां पे रास्ते बने होते हैं, ऐसे घूम के आप अंदर जा सकते हैं, इधर से चलिए और अंदर पहुंच जाइए, तो पूरा तो कठेड़ा लगा है पर बीच बीच में जाने के, क्या पता ऐसे घूम के जाने के या सीधे ही जाने के रास्ते बने होते हैं। कठेड़ा क्यों लगाया जाता है, वहां लिखा हुआ है हद मर्यादा के वास्ते। अब चांदनी पे तो पता ही नहीं चलेगा कब श्री ताड़वन समाप्त हुए और बड़ोवन शुरू हो गए, तो हमें ये कठेड़ा यही दर्शाते हैं कि अब एरू आप ताड़वन से निकल बड़ोवन में पहुंच चुके हैं। अति सुंदर, अब हम चलते हैं सुंदर साथ जी, यहां तक आई होप सभी सुंदर साथ जी को क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं श्री केल मूल के वृक्षों की तरफ, तो पहले तो ये जानते हैं, पहले हम उनके उसमें नहीं जाएंगे अभी कि वो कैसे दिखते हैं, पहले देखते हैं कि कितने पेड़ आए हैं, कहाँ कहाँ आए हैं। अब ये जो पहला पेड़ है ना सुंदर साथ जी, सबसे पहला कलर चेंज, हाँ जी ये देखिए, ये सबसे जो पहला वृक्ष है ये कौन सा वृक्ष है, हमने अभी अभी किया श्री केल मूल के नैऋत्य कोने में क्या आया हुआ है, श्री बड़ोवन, तो ये जरूर श्री बड़ोवन के वृक्ष होंगे, है ना। तो इनके इधर है बड़ोवन और इनकी दक्षिण दिशा में क्या है, श्री ताड़वन, आपको याद है ना, इधर श्री ताड़वन। एक बार फिर से ये वाला नक्शा देखते हैं हम सुंदर साथ जी, तो आप इनको देखिए एक बार और मुझे देख देख के, पहले इसमें से आप मुझे बताइएगा पहला वृक्ष जो है वो कौन सा है, ये वाले बिल्कुल पहले वृक्ष की हम सुंदर साथ बात कर रहे हैं, तो इनके नैऋत्य कोण में बड़ोवन आया है और इस तरफ ताड़वन। तो ये जो वृक्ष है ना, ये बड़े स्पेशल ये वृक्ष है, क्योंकि ये ताड़वन में भी जवाब देते हैं, यानी ताड़वन के वृक्षों में भी काउंट होते हैं, ये बड़ोवन का भी 17वां वृक्ष है, वही 17वां वृक्ष है जहां से 250 भौम का बड़ोवन शुरू हो जाता है, तो ये बड़ोवन में भी जवाब देते हैं, ये ताड़वन में भी जवाब देते हैं, ये केल के मूल का भी पहला वृक्ष है, तो ये वृक्ष बहुत ही स्पेशल है, दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द ट्रीज, क्योंकि कितनी पिठौर आप लगाएंगे, या तो यहाँ पे पिठौर से पिठौर लगी होगी या फिर ये कॉम्बिनेशन बन जाता है, और यहाँ पे इस पहले वृक्ष के लिए महाराज जी ने स्पेशल मेंशन किया हुआ है
ये 17वां वृक्ष जो है ये केल का बन गया है। तो ऐसा लगता है, ये देखिए, ऐसा लगता है कि ये वृक्ष इस तरफ, आप देखेंगे आप इधर खड़े हैं, सपोज रू यहाँ खड़ी है तो आपको लगेगा ये बड़ोवन का ही वृक्ष है, रू इधर खड़ी है ताड़वन में, आप इधर से देख रहे हो तो आपको लगेगा ये ताड़ का ही वृक्ष है, आप केल के मूल में खड़े हैं तो आपको लगेगा ये केले का ही वृक्ष है, आप इधर खड़े हैं तो ऐसे लगेगा कि ये वृक्ष तो 250 भोमों तक जाने वाला है, तो कितना स्पेशल ये वृक्ष होगा। अब सपोज दिस इज द ट्री, ये है वो पहला वृक्ष, आप ताड़वन की साइड में खड़े हैं तो वो ताड़वन जैसा दिखाई दे रहा है, ताड़वन का ये वृक्ष कैसा है सुंदर साहब जी, मुझे बताएंगे क्या ये 10 भोम बराबर 1 भोम गया हुआ है या भोम दर भोम, बिल्कुल बॉर्डर पे नहर के किनारे पे ये वृक्ष आएगा। होपफुली राज्य की मेहर से और नक्शे बन जाएंगे, खड़े हुए भी हमें दिखाई देंगे, जो सुंदर साथ इसकी सेवा करना चाहे वो जरूर करेंगे। हाँ जी, तो सुंदर साथ को समझने में आसानी हो जाएगी, बिल्कुल सही आप सभी सुंदर साथ। तो ये आप ताड़वन में खड़े हैं तो ये 10 भोम बराबर 1 भोम जाता हुआ, एक भी डाली ताड़वन की तरफ ना निकालता हुआ ये वृक्ष दिखाई दे रहा है। अब आइए मैं थोड़ा सा क्लियर करती हूं यहाँ पे। हाँ जी, 1 मिनट सुंदर साह जी, ये देखिए थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। ताड़वन की तरफ ये वृक्ष कैसा दिखाई दे रहा है, मैं वृक्ष की जगह पे ही ड्रॉ करती हूँ। सपोज ये मैं बड़ा करके ड्रॉ किया, ताड़वन की साइड में ये वृक्ष ऐसा दिखाई दिया, 10 भोम बराबर 1 भोम, नो डाली इन बिटवीन, कोई डाली नहीं निकलेगी। अब मुझे इधर बताइए, श्री बड़ोवन की तरफ ये वृक्ष कैसा दिखाई दे रहा है, क्या ये 10 भोम बराबर 1 भोम है या फिर भोम दर भोम गया हुआ है, इस वाले बड़ोवन की तरफ, ये वाले बड़ोवन की तरफ। हाँ जी बिल्कुल सही डीपी सिंह जी, मधु दीदी अति सुंदर, सेम टू सेम एज ताड़वन, 10 भोम बराबर 1 भोम ये वृक्ष, यदि रू यहाँ खड़ी है तो उसको ऐसे दिखाई दे रहा है, यदि रू इधर खड़ी है तो उसको भी वैसा ही सेम टू सेम 10 भोम बराबर 1 भोम। अब यदि रू मेरी रू इधर खड़ी हो गई इसी वृक्ष को निहारने के लिए तो ये वृक्ष कैसा दिखाई दे रहा है, आप बताइए। इस तरफ जब ये वृक्ष अपनी पार्टिसिपेशन निभाता है तो कैसा होता है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात, यहीं से ही हम, यही वृक्ष है जो 10 भोम पे रुकेगा और फिर 250 भोम तक ऊपर चला जाएगा, इधर से भी, हालांकि इधर से भी ये 250 ही जाता हुआ ऊपर दिखाई देगा, पर ये इधर भी मैचिंग करेगा और इधर 250 भोम ऊपर चला जाएगा। वेरी गुड सुंदर साहब जी, अति सुंदर, 10 भोम तक इनके साथ रोल निभाएगा और फिर आगे अपनी भूमि लेकर चला जाएगा। अब आप श्री केल मूल में खड़े हो जाइए, हालांकि श्री केल मूल का पूरा दृश्य हमें अभी नहीं पता है, पर यहाँ के जो वृक्ष हैं सुंदर साहब जी, ये पहला वृक्ष यहाँ पर, ये बड़ोवन के वृक्षों की 5 हारे जाएंगी, पहले वृक्ष के बाद हम उन्हीं के बारे में पूरी बात करेंगे। हाँ जी, जब हम केल के मूल में खड़े हैं तो ये वृक्ष कैसा दिखाई देगा सुंदर साह जी, ये महाराज जी ने स्पेशल लिखा कि ये केल का बन चुका है। हाँ जी, श्री केल के मूल में दिखाई तो ये 250 भोम ऊपर दिखाई देगा हर तरफ से, केल के मूल में ये भूमिका कैसी निभाएगा सुंदर साह जी, केल के मूल में ये कैसी भूमिका, अपना रोल कैसा प्ले करेगा, यही वृक्ष सेम वृक्ष है तो इधर कैसी भोम, बिल्कुल सही मधु दीदी, इधर ये भोम दर भोम 2 भोम तक तो ये केले का वृक्ष रहेगा, क्योंकि इन्होंने केले के साथ मिलान करना है, यहां से सारे वृक्ष केल के मूल की तरफ केले के वृक्ष बन चुके हैं, केल के मूल में आकर, पर ये जाएंगे भोम दर भोम, क्योंकि केल के मूल में कोई भी वृक्ष पूरा ऊपर तक नहीं जाता है अभी तक, तो ये पहला वृक्ष हमें यहाँ मिला, जो यहाँ वो 10 भोम बराबर 1 भोम गया, फिर वो भोम दर भोम 240 भोम ऊपर चला गया, इधर पूरे 10 भोम भोम दर भोम ये वृक्ष ऊपर जा रहा है। तो यहाँ तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा सुंदर साहब जी को, ताड़वन में तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं और इधर भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये हमने अभी 250 भोम वाला
बड़ो वन भी हमने पूरी तरह से अभी किया नहीं है सुंदर साथ जी, पर इधर भी कोई कंफ्यूजन नहीं, केल के मूल में हम इस वृक्ष को अभी और करेंगे। पहले हम इनकी लोकेशन को देखते हैं, फिर आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप मुझे ये बताइएगा अब एक बार। हाँ जी, अब मैं इनको खोलती हूँ जी। अब पहले हम इन वृक्षों की जो लोकेशन है कि कहाँ कहाँ कौन कौन से वृक्ष आए हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले इनको ब्लू कलर में बनाने की कोशिश की है सुंदर साथ जी, आप थोड़ा थोड़ा सा इनको ध्यान से देखिएगा। हाँ जी, ये देखिए, ये जो ब्लू कलर वाले बने हुए हैं ना, ये है बड़ो वन का वृक्ष। आप बड़ो वन में ही खड़े रहिए अभी, इस साइड में, मतलब आप पश्चिम में 250 भूम वाले बड़ो वन में खड़े हुए हैं। अब मुझे बताइए, ये पहला बड़ो वन का वृक्ष, ये दूसरा बड़ो वन का वृक्ष, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा बड़ो वन का वृक्ष, ये कितनी कितनी मंदिर की दूरी पर आए हुए हैं? आप अपनी चैट में लिखकर बताइए जल्दी से, ताकि फिर हम। हाँ जी, ये नॉर्मल जो बड़ो वन के वृक्ष होते थे, चांद कमल आंटी, परफेक्ट, अति सुंदर। सुषमा शर्मा जी, विजय आंटी, सुषमा त्यागी जी, अति सुंदर। तो मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, ये है 30-30 मंदिर की दूरी पर आए हुए श्री बड़ो वन के वृक्ष। अब हम आने वाले हैं, अब ये क्या 30-30 मंदिर की दूरी वाले हैं? सॉरी, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा वो कर दिया। हाँ जी, ये जो है ना, ये स्पेशल वाले वृक्ष हैं, ये है बड़ो वन के वृक्ष। मैं एक बार फिर से, हाँ जी, ये है ना, जो ये सारे बड़ो वन के वृक्ष हैं, ये वाले, ठीक है। अब ये वाले वृक्ष में और ये वाले वृक्ष में 30-30 मंदिर का अंतर है, वो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। 30-30 मंदिर के अंतर पर ये बड़ो वन के वृक्ष आए हैं, जो नॉर्मल आते ही हैं, ये सारे ही 30-30 मंदिर की दूरी पर आए हैं, ठीक है। अब ये ब्लू वाले कौन से हैं? ये कोई स्पेशल वृक्ष है क्या सुंदर साथ जी? अब ये सारे 30-30 मंदिर की दूरी पर हैं, ऑल, ये वाला वृक्ष और ये वाला वृक्ष 30 मंदिर की दूरी पर हो गए। अब जो हमारी पांच हारें बड़ो वन की शुरू से चली आ रही हैं सुंदर साथ जी, उनमें कितना अंतर होता था आपको याद है? फूल बाग के तीनों तरफ भी घूम कर आई थी वो, श्री फूल बाग के उत्तर दक्षिण पश्चिम में, उनमें 125 मंदिर, बिल्कुल सही, 125 मंदिर का अंतर होता था। पर अभी श्री केल मूल में आकर, क्योंकि इन वृक्षों के साथ उन्होंने अपना सामंजस्य स्थापित करना है, तो क्या किया, ये देखिए 30 मंदिर की दूरी पर ये, फिर 30 मंदिर, फिर 30 मंदिर और फिर 30 मंदिर। तो आप ये तीन वृक्ष बीच में से छोड़ दें तो ये बनते हैं 120 मंदिर, 125 नहीं बन पाते यहाँ पे, क्योंकि हमने श्री बड़ो वन के वृक्षों के साथ इनका बैलेंस करना है, ठीक है। तो ये तीन वृक्ष आप बीच में से छोड़ दें। अब सबसे पहले हम देखते हैं, ये था 17 नंबर का वृक्ष, मेरे साथ साथ कीजिएगा, ये 18, 19, 20 और ये आ गया स्पेशल वाला 21 नंबर का वृक्ष, 120 मंदिर छोड़ने के बाद। अब फिर 21, ये 22, 23, 24, फिर आ गया स्पेशल वाला 25 नंबर का वृक्ष, फिर 26, 27, 28, फिर आ गया 29 नंबर का वृक्ष, फिर 30, 31, 32 और ये आ गए हमारे स्पेशल 33 नंबर वाले वृक्ष, ठीक है। बीच में जगह कितनी छोड़ी हमने, 120 मंदिर, 120 मंदिर, 120 मंदिर, क्योंकि यहाँ 125 नहीं छोड़ सकते, क्योंकि पीछे जो बड़ो वन के वृक्ष खड़े हैं ना, उन्हीं ने ही ये वाले वृक्ष बन जाना है, आगे जाके महाराज जी ने उनको एडजस्ट कर दिया हुआ है, क्योंकि ये बॉर्डर है सुंदर साथ जी, श्री बड़ो वन का, श्री केल के मूल का ये बॉर्डर होने की वजह से। हाँ जी सुषमा शर्मा जी, बिल्कुल सही आपने बताया। यहां तक सभी सुंदर साथ जी को समझ में आ गई होगी, एक बार इसको रिपीट करते हैं। तो हमने कौन से वृक्ष से शुरू किया था सुंदर साथ जी? हमने शुरू किया था 17 नंबर के वृक्ष से, 17 नंबर, उसके बाद 125 मंदिर दूरी पर हमारा बड़ो वन की पांच हारों वाले वृक्ष आने चाहिए,
परंतु यहाँ पर 30-30 मंदिर दूर होने से 125 नहीं बन पाएगा, तो 120 मंदिर की दूरी पर, यानी के बीच में तीन वृक्ष छोड़कर, यानी 17, 21, 25, 29 और 33, बीच में तीन तीन वृक्ष आप छोड़ देंगे। अच्छा मुझे बताइए कि पांच वृक्षों के बीच में, ये देखिए ये टोटल कितने बनते हैं सुंदर साहब जी, यहां से लेके यहां तक 1, 2, 3, 4, 5, पांच वृक्षों के बीच में संधें कितनी होती हैं सुंदर साहब जी? पांच वृक्षों के बीच में संधें कितनी होती हैं? बिल्कुल चित्रांशी बिटिया, वेरी गुड, चार संधें होती हैं। चांद कमल आंटी, आशिमा जी, सुषमा शर्मा जी, चार संधें, और एक एक संध हमारी कितने मंदिर की है? 30 मंदिर की, क्योंकि एक वृक्ष दूसरे से 30 मंदिर दूर है, तो टोटल कितना हो गया? 120 मंदिर की दूरी। आपको बात समझ में आ गई ना कि एक एक वृक्ष दूसरे से 30 की दूरी पर है, पांच के बीच में चार संधे होती हैं, तो इनकी आपस की दूरी हो गई। ये हम पहली हार की बात कर रहे हैं अभी, तो जहां पर बॉर्डर आया हुआ है। तो अब मुझे ना बड़े ध्यान से, यहां तक किसी भी सुंदर साथ जी को कोई भी संशय हो वो हैंड रेस कर सकते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको एक और बात बताऊंगी। हां जी सुंदर साहब जी, यहां तक आपको कोई भी संशय हो तो आप पूछ सकते हैं। आई थिंक ऑल क्लियर, सभी सुंदर साहब जी को सब क्लियर हो गया? हां जी, तो अब मुझे ये बताइए यहां की टोटल लंबाई कितनी थी सुंदर साहब जी? टोटल श्री केल मूल की लंबाई कितनी है? हमें याद है ना, दक्षिण से उत्तर की तरफ श्री केल मूल की कितनी लंबाई है? बिल्कुल सही, वेरी गुड, 488, यानी के 488 मंदिर। अब 120 मंदिर यहाँ हुए, 120 21 से 25 के बीच में, 120 25 से 29 के बीच में, 120 29 से 33 के बीच में, तो 120 120 120 120 यानी के 4 × 120 यानी के 480 मंदिर हमारे पूरे हो चुके हैं। तो कितने मंदिर बचे सुंदर साहब जी? यहाँ पर एक्स्ट्रा जगह, यहाँ हमें कितने मंदिर की जगह और मिल गई? बिल्कुल सही, 480 मंदिर तो हमारे इन पांच बड़ों वन की पांच स्पेशल वाली हारों ने ले लिए, स्पेशल वाले वृक्षों ने। लास्ट में ये देखिए यहाँ पर आपको बचा हुआ दिखाई भी दे रहा होगा, यहाँ ये वृक्ष जो है ये केल मूल के बॉर्डर पर नहीं आया है, क्योंकि 8 मंदिर की जगह अभी यहाँ बची हुई है, तो ये इसीलिए मैं इसको एक बार डिलीट करती हूँ। आप ध्यान से देखिएगा, ये देखिए पहला बड़ो वन का स्पेशल वृक्ष है, ये भी बड़ो वन के ही वृक्ष 30-30 मंदिर की दूरी वाले, पर ये स्पेशल जिन्होंने बड़ो वन की पांच हारों के रूप में आगे श्री जमुना जी तक फिर आगे घूमते हुए अपना योगदान देना है, ये वो स्पेशल वाले वृक्ष हैं। पर आपने देखा ये बॉर्डर तक जाने में अभी भी हमारे पास 8 मंदिर की जगह बची हुई है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि इन वृक्षों के बीच में 120-20 मंदिर की दूरी, और ये हो गए 480, और लास्ट में बचे 8 मंदिर, तो ये टोटल प्लस करके हमारे पास हो जाता है 488। यहां तक आपको सब सुंदर साथ को समझ में आ गई होगी। हम इन वृक्षों के बारे में भी जानेंगे, डोंट वरी, पर धीरे धीरे चलेंगे ताकि सब सुंदर साथ जी को समझ में आए। अब मुझे ये बताइएगा सुंदर साथ जी, ये छोटे छोटे वृक्ष भी, अभी पहली हार की ही बात करते हैं, श्री बड़ो वन के तो सारे वृक्ष हमें समझ में आ गए, अब ये जो क्यूट क्यूट से ये छोटे छोटे जो वृक्ष आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये क्या है? श्री केल मूल का मतलब ही यही है कि यहाँ पर केले के वृक्ष शुरू हो चुके हैं, ठीक है? तो अब ये दो वृक्षों के बीच में दूरी कितनी है सुंदर साहब जी? फिर से बताएंगे, ये जो दो बड़ो वन के वृक्ष हैं, इनके बीच में कितनी दूरी है? रेड कलर के जो डॉट्स मैंने अभी आपको दिखाए, बिल्कुल सही बेटा मीनू दीदी, चांद कमल आंटी, वेरी गुड ऑल सुंदर साहब जी, सुपर एक्टिव, अमेजिंग। हां जी, 30 मंदिर की दूरी है। केले के वृक्ष केल वन में कितने मंदिर की दूरी पर होते हैं? चाहे केल वन हो, चाहे लिबोई वन हो, वो सारे वनों में, बिल्कुल सही ओपो नाम से सुंदर साहब जी, शकुंतला थपालिया जी, चित्रा,
जी वेरी गुड वेरी गुड सुंदर सार जी। बबीता जी, केले के वृक्ष दो दो मंदिर के अंतर पर आते हैं, तो यहाँ भी ये भी केलवन ही है एक्चुअली में, उसी का एक्सटेंशन है ये, क्योंकि इनमें और भी बहुत सारी प्यारी शोभा है, तो इनको केल का मूल यानी केल का यहाँ से स्टार्टिंग हुआ है इसलिए इनका नाम रखा गया है। तो यहाँ पर भी ये जो केले के वृक्ष हैं ये दो दो मंदिर के अंतर पर ही आए हैं। अब मुझे ये बताइए 30 मंदिर की दूरी में केले के वृक्ष कितने आएंगे? हाँ जी वेरी गुड चित्रांशी बिटिया। हाँ जी मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि वृक्ष हमेशा एक ज्यादा आता है, वो ध्यान रखिएगा आप। एस नाम से सुंदर साथ ने बिल्कुल सही बताया है, 14 आएंगे केले के वृक्ष और दो तो ये वाले वृक्ष हैं ही साइड में, है ना। 30 में 15 आते हैं 30 मंदिर की जगह पे, क्योंकि दो दो मंदिर के अंतर पर हैं तो 15 आने चाहिए। सारे उत्तर बिल्कुल सही हैं, पर एक वृक्ष एक थंब हमेशा ज्यादा आता है, तो 16 हो गए। 16 में से दो बॉर्डर वाले तो ये बड़ो वन के ही हैं, तो बीच में बचे 14 केले के वृक्ष। 30 मंदिर की जगह में 15 आने चाहिए क्योंकि दो दो मंदिर के अंतर पर हैं, पर वृक्ष हमेशा वृक्ष हो थंब हो हमेशा एक ज्यादा आता है, तो वो 16 हो गए। 16 में से दो तो बॉर्डर वाले, सारे उत्तर बिल्कुल सही हैं सुंदर साथ जी। ये 16 में से दो तो बॉर्डर वाले हमने बड़ो बन के लिए ही हैं, तो केले के बीच में, हालांकि सारे ही इस तरफ केल रूप धारण कर चुके हैं, तो टोटल वृक्ष 16 और बीच वाले केवल देखें तो 14, है ना। तो टोटल वृक्ष तो 16 है, बिल्कुल सही। 16 में मेहराबें कितनी बनेंगी सुंदर साथ जी, ये तो हमें पता ही है। 16 वृक्षों में मेहराबे कितनी बनेंगी? एस नाम से सुंदर साथ, वेरी गुड, अति सुंदर। अरे वाह ब्यूटीफुल, हर सुंदर साथ के दिल में बस चुकी हैं ये। तो इनमें 15 15 मेहराबे बनती हुई कितनी सुंदर दिखाई दे रही होंगी। आपने एक चीज, अब मैं आपको ये बात बता सकती हूँ, आपने एक बात नोटिस की, ये जो बड़ो वन के एक वृक्ष पे आप ध्यान दीजिएगा, ये रेड कलर का है ना एक, ये स्पेशल 5 हारों में आगे नहीं जाने वाला ये वृक्ष, पर ये बड़ो वन का ही वृक्ष है। ये 10 भोम बराबर एक भोम जा रहा है ऊपर, ये 250 भोम भी जा रहा है, पर 10 भोम तो हमें नीचे खड़े होके दिख रही है इनकी। 10 भोम बराबर एक भोम, इन्होंने एक भी डाली पश्चिम की तरफ नहीं निकाली हुई है, इन्होंने एक भी डाली पश्चिम में नहीं निकाली। पर अब आप इसको दो तरह से ले सकते हैं, ये वृक्ष नो डाली इन वेस्ट, इन पश्चिम कोई डाली नहीं। अब इनके पास में खड़े हैं केले के वृक्ष, इधर भी केले का वृक्ष। अब दो ऑप्शंस इसमें हो सकते हैं, हालांकि इस दुनिया में भी ऐसे वृक्ष होते हैं जो कि इस तरफ डाली निकाल दें, इस तरफ मैंने उस दिन देखे हैं, पर यदि आप ताड़वन जैसी शोभा इसमें लेना चाहते हैं कि ये वृक्ष अपनी डाली नहीं निकालते हैं, तो इधर जो केले वाला खड़ा हुआ है ना, जैसे ताड़वन के छोटे वृक्षों ने बड़ों के साथ बढ़ के मिलान कर लिया था, तो ये केले के वृक्ष पूरी डालियां अपनी इनको दे देंगे ताकि छत पूरी हमारी भूम स्मूथली यहाँ पे पड़ जाए। और इनके इस तरफ भी केलवन ही है, तो ये पूरी छत ऐसे समान हो जाएगी सुंदर साथ जी, पूरी छत। और इस तरफ इनकी कोई डाली नहीं बड़ी हुई क्योंकि इन्होंने 10 भोम बराबर एक भोम ही जाना है ऊपर। तो ये बहुत प्यारी ब्यूटी है इन वृक्षों की। आई होप सुंदर साथ जी समझ पा रहे हैं, हम इसका कोशिश करेंगे, क्योंकि खड़ा हुआ देखें दृश्य तो ज्यादा समझ में आती है, पर फिर भी एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ये वाले वृक्ष की बात हो रही है, बड़ो वन के वृक्ष की। इनके इस तरफ भी केले का है, इस तरफ भी केल है, इस तरफ भी केले का वृक्ष है, और इस तरफ इन्होंने 10 भोम ऊपर जाना है, तो कोई डाली इनकी नहीं निकलेगी। अगर ये इधर भी डालियां नहीं निकालते, इनका तना ऐसे ही रहता है, तो केल के वृक्ष इनको अपनी डालियां देते हैं, पूरी बढ़ाते हैं छज्जा अपना, केल के अब इधर तो बढ़ा ही रहे हैं एक दूसरे की तरफ, तो इस प्रकार ये छत पूरी बराबर हो जाती है। हालांकि इस दुनिया में भी ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि ये वृक्ष इधर डालियां ना बढ़ाए,
पर इधर जरूर बढ़ा देगा जितना उसको जरूरत हो, क्योंकि महाराज जी ने इसका हिंट दिया है। तो आप इन दोनों में से जो शोभा आपके दिल में बसे वो बसा सकते हैं, क्योंकि महाराज जी ने ये पहले वृक्ष के बारे में साफ साफ हिंट दिया हुआ है कि ये पहला वृक्ष केल का रूप धारण कर लेता है। यानी ये सारे वृक्ष जो हैं ये इन्होंने केल रूप होके ही आगे जाना है सुंदर साथ जी, तो बॉर्डर में ही है मेन, तो बाकी तो केल रूप बन ही जाने हैं। तो ये वृक्ष केल का रूप धारण कर लेता है, मतलब वो धारण इस तरफ ही करेगा, क्योंकि इधर तो उनको डाली ही नहीं बढ़ानी है कोई, ना इधर बढ़ानी है ना इधर बढ़ानी है। तो बहुत प्यारे प्यारे ये वृक्ष हैं, अति सुंदर। फर्स्ट हार में, पहली हार में आई होप सभी सुंदर साथ जी को क्लियर हो गया होगा, अभी और क्लियर करते हैं। चलिए अब मुझे ये बताइए, यहाँ पर पांच वृक्ष तो हमने बड़ो वन के कर लिए, स्पेशल वाले, टोटल बड़ो वन के कितने वृक्ष आपको दिखाई दे रहे हैं? यहाँ मैंने पूरे नहीं बनाए हैं सुंदर साथ जी, हो सकता है पूरे ना बनाए, हो सकता है बनाए हो। तो ये 17 और ये 33, सोचिए कितने वृक्ष हैं यहाँ पर। हाँ जी, वेरी गुड सुंदर साथ जी, वेरी फास्ट। एस नाम से सुंदर साथ हैं, 33 में से 17 गए तो 16 होते हैं, और एक हमेशा ज्यादा होता है, तो ये 17 वृक्ष हैं टोटल। 17 में संधियां कितनी होती हैं? 16, 16 और एक एक संधि 30-30 मंदिर की, इसीलिए तो 480 की जगह बनी। आप ऐसे भी बना सकते हैं, देखिए 33 में से 17 माइनस किए तो 16, एक वृक्ष हमेशा ज्यादा होता है, तो 17 संधियां आपको यहाँ पर दिखाई देती हैं, है ना। 17 वृक्षों में 16 संधियां आपको दिखाई देती हैं, सॉरी, और एक एक संधि 30-30 मंदिर की, तो ये हो गए 480 मंदिर। हमने ऐसे किया था, 120, 120, 120, 120, आप किसी भी तरह से इसको समझ सकते हैं। तो 480 और 8 मंदिर यहाँ पर हमारे बच जाते हैं। क्या इन 8 मंदिरों में, ध्यान से सोच के बताइएगा सुंदर साथ जी, ये है हमारा 33वां वृक्ष, क्या इन 8 मंदिरों में हमें बड़ो वन का कोई वृक्ष दिखाई देगा? मतलब आया है, दिखाई तो बहुत सारे देंगे वहां खड़े होके, क्या इन 8 मंदिरों में कोई बड़ो वन का वृक्ष आया हुआ है सुंदर साथ जी? 8 मंदिर की जगह में बहुत, ओनली 2 यस, बाकी सारे नो आ रहे हैं, वेरी गुड, ब्यूटिफुल। इन 8 मंदिरों में कोई बड़ो वन का वृक्ष नहीं आया, क्योंकि वो तो 30 मंदिर की दूरी पर आता है ना। तो यहां से 22 मंदिर और आगे चलेंगे तो बड़ो वन का वृक्ष हमें दिखाई देगा, और वो तो मधुवन में आएगा आगे, जब श्री मधुवन शुरू हो जाएंगे। और ये ही वृक्ष जो 33 नंबर का वृक्ष है, यही मधुवन का पहला वृक्ष भी इनको काउंट किया जाता है, श्री केल मूल का आखिरी वृक्ष, अंतिम वृक्ष, और श्री मधुवन का ये पहला वृक्ष बनेगा। ये आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जब हम श्री मधुवन करेंगे तब हमें इन वृक्ष की फिर से जरूरत पड़ेगी श्री मधुवन को शुरू करने के लिए। तो अभी तक सुंदर साथ जी कोई भी संशय हो तो आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं, उसके बाद हम, हाँ जी हाँ जी विजय आंटी, क्योंकि संशय साथ साथ में क्लियर करने बहुत जरूरी है। हाँ जी विजय आंटी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, ये जो 8 मंदिर बता रहे हो ना, उसके बारे में बता दो, 8 मंदिर कैसे, कहाँ हुए? हाँ जी, ये देखिए, ये केल मूल है ना, इनकी जो लंबाई है ना दक्षिण से उत्तर, वो है 488 मंदिर, ठीक है। और 480 मंदिर तो हमारे ले लिए, ये अगर आप स्पेशल स्पेशल वाले गिनो ना तो गिनती इजी होती है। इनके बीच में 120-20 मंदिर का डिफरेंस है, तो कितने 120 हुए, 5 के बीच में 4 120 है ना, 4 480 हो गए, तो 480, और ये 8 मंदिर यहाँ बच जाते हैं। वहां छोटे छोटे केले के वृक्ष आ जाते हैं, अच्छा, है ना, खाली नहीं रहती वो जगह, केले के वृक्ष आ जाते हैं। अच्छा आप बताओ 8 मंदिर में कितने आएंगे केले के वृक्ष? एक एक मंदिर के उस पे है ना, तो नहीं, दो 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 मंदिर, दो मंदिर पे, तो तीन आ जाए,
चार आएंगे ना। हाँ जी, एक वृक्ष ज्यादा होता है तो टोटल हाँ, पांच आएंगे, उसमें से एक तो ये बड़ो वन वाला ही है, तो चार ही आएंगे। बिल्कुल सही आपने, ठीक अति है। बस सुंदर। ये कंफ्यूजन हो रहा था मेरे को, इसलिए मैंने ये किया। हाँ जी, बहुत सुंदर आप पूछते हो ना, और सुंदर साथ के दिल में भी होता है, वो भी क्लियर हो जाता है उससे। ठीक वेरी गुड। है, हाँ जी, प्रणाम ओके। जी। हाँ जी, ओपो नाम से सुंदर साथ जी। हाँ जी प्रणाम जी। अनम्यूट नहीं हुआ आपका, एक मिनट। हाँ जी, अनम्यूट कीजिए। प्रणाम जी, प्रणाम जी कुसुम आंटी। यदि हम इनको ताड़वन के वृक्षों की त्राही लें तो ये 10 बोम का 10 बोम बराबर 1 बोम नहीं होने चाहिए, तो ये बोमदर बोम बिल्कुल, क्यों गए हैं? इनको कौन बोमदर सा वन? बोम क्यों माने? कौन ये वाला? जो बॉर्डर के हैं, यदि हाँ हम जी, इनको, सारे हाँ जी, जो इसमें ना, पांचों, एक ये वृक्षों को तो आप शायद मान भी लो, पर ना ये पहला वृक्ष है ना, ये पहले जैसे ही सारे हैं, ये स्पेशल वाले हैं ना। इसमें महाराज जी ने स्पेशल बोला है कि ये केल का रूप इन्होंने ले लिया और ये केल वन का पहला वृक्ष है, तो नहीं ये वो बहुत बात, स्पेशल। अगर ये केल का रूप लेंगे तो फिर ये केल के उससे मिलान करेंगे, केल का रूप लेने के लिए इनको भूम दर भूम भी जाना पड़ेगा। लेकिन केल के मूल से जब ये मिलान करते हैं तो इन्होंने तो डालियां बढ़ानी नहीं है, डालियां तो केल के जो 2 भोम वाले, उन्होंने अपनी डालियां बढ़ाई हैं, उन्होंने हाँ तो जी, डाली मैंने बढ़ा। वही बोला, यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं आंटी, उन दोनों में से जो आपके दिल को अच्छा सुंदर लगे आप वो बसाइए। एक ऑप्शन ये है, फिर तो ये पूरे 10 बोम बराबर एक बोम जी जाएंगे। अगर आप इनकी डालियां इस तरफ केल के मूल की तरफ नहीं बढ़ाते हो और केल का वन ही इनकी तरफ पूरी डाली बढ़ा लेता है, फिर ये 10 बोम बराबर एक बोम ही हाँ जाएंगे। जी हाँ, पर बस यदि ये भी केल रूप, क्योंकि इन्होंने तो केले का रूप ले ही लेना है, इन्होंने तो भोम दर भोम ही जाना है, पक्की बात है ये। तो अगर इनके जैसे ही ये हैं और जैसा महाराज जी ने हिंट भी दिया हुआ है, तो हो सकता है कि इन्होंने इस तरफ ये वाले वृक्ष ने इस तरफ केवल अपनी डालियां केल को दी हो, पर दूसरी शोभा बिल्कुल परफेक्ट बनती है कि एक वृक्ष सेम टू सेम बिहेव करता है, वो बिल्कुल 10 बोम बराबर एक बोम ही जाता है। और जताड़वन में ऐसा ही हुआ था जैसे आप बोल रहे हो ना, इसीलिए मैंने दोनों चीजें बताई थी। आपको जो प्यारी लगे आप वैसे बसा सकते हैं, पर मोस्ट अप्रोप्रिएट यही बनता है आंटी, जैसे ताड़वन में हुआ था, ताड़ का वृक्ष खड़ा हुआ है, आसपास के छोटे वाले उसकी तरफ डालियां बढ़ा रहे। हाँ हाँ जी, तो केल इनकी तरफ फिर डालियां बढ़ाएगा, तो ये 10 भूम बराबर एक भूम ही जाएंगे। जी हाँ ठीक है। जी, हाँ बिल्कुल सही। ये सिर्फ बॉर्डर वालों में ही ये दिक्कत है, जी, बाकी बॉर्डर किसी वालों में में है ही। बॉर्डर में दो ऑप्शंस में से जो प्यारा लगे वो ले सकते हैं। ठीक है। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, डीपी सिंह जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। एक तो जो अभी क्वेश्चन किया, दोबारा मेरे दिमाग में भी आया चीज, हाँ तब जी। अगले वाले जो पेड़ है बड़ो वन के, जो केल के अंदर आ गए, केल के मूल में, उनका हाँ बिहेव जी। तो वही बोम दर बोम है। नहीं, जो वृक्ष भी बॉर्डर पे आएंगे ना, वो सेम ही बिहेव करेंगे एक्चुअली में। ऐसा नहीं कि ये वृक्ष कुछ स्पेशल करेंगे और ये नहीं करेंगे, जो भी बॉर्डर पे आएंगे वो एक जैसे ही रहेंगे। नहीं, मैं बॉर्डर वाले की बात नहीं कर रहा हूं, हाँ जो जी, बीच वाले हैं। हाँ जी, ये तो केल हो गए हैं पूरे, पता ही नहीं लग रहा कि केला कौन सा और ये वाला कौन सा है। तो ये भोम दर भोम जा रहे हैं, हाँ जी, बढ़ा रहे हैं, बिल्कुल, तो भोम दर भोम, बिल्कुल। दूसरी भोम के बाद जब और पेड़ नहीं है तब भी ये बढ़ा, फिर आपस में बढ़ाएंगे। हाँ जी, तब भी ये भोम दर जाएंगे, भोम दर भोम ही। ये नहीं कि 8 भोम बराबर एक भोम कर लेंगे, पर ये एक दूसरे की तरफ बिल्कुल ऐसे डालियां बढ़ाएंगे। तो फिर जब ये सेकंड वाला जो पेड़ है अंदर, और जो हाँ जी। किनारे का जो पेड़ है, तो वो भी तो बनाएगा ना फिर हाँ जी, ये देखिए, भोम दर भोम। या तो ऐसा होगा कि इसको तो आप पूरा ऊपर लेके जा रहे हो, और ये जैसे पहले इसको केल डाली दे रहा था, अब इसका बड़ो वन पूरी डाली देगा, पूरी यही बढ़ाएगा फिर उसमें। इसीलिए दो ऑप्शंस हैं। अगर तो ये पास वाला केल, इनको केल को तो 2 ही मंदिर देनी पड़ती थी, इसको 120 मंदिर जाके देनी पड़ेगी। हाँ जी, वही।
देखने में तो लगेगा चाहे वो दे रहा है या नहीं दे रहा है, देखने में तो हाँ जी, वो तो मतलब पूरी छत तो बराबर ही हो जानी है उसकी, पता तो लगेगा ही नहीं कि उसने बढ़ाई है या उसने बढ़ाई हाँ। और है ना मेरा जो छत। एक्चुअली जिसके लिए मैंने खाद खड़क किया था वो क्वेश्चन ये था कि आपने बताया अभी कि जो मधुबन का पहला पेड़ है हाँ वो जी ये 33वां पेड़ आएगा, तो वो जी तो 8 मंदिर पीछे है। हाँ जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर महाराज जी ने लिखा हुआ है कि ये मतलब ये दूर भी है पर मधुबन यहीं से शुरू होता है। पता है प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि ये वाले वृक्षों से मधुबन ने शुरू होना है, यही पीछे रह गया बस। तो ये हार हाँ उनको कंप्लीट करनी है, तो उन्होंने डिस्टेंस कवर कर लेना है इक्वल आगे जाके, तो ये वाले वृक्ष ने उसमें भूमिका निभानी जरूरी है, क्योंकि आगे यहाँ तो 8 मंदिर का ही मिसमैच है। आगे गए ना अगर अगर इस वृक्ष से शुरू किया तो 100 से ऊपर मंदिर का मिसमैच हो जाएगा फिर, है ना, इसलिए 5 और आगे चले गए अगर। तो 8 मंदिर एडजस्ट किए हैं उन्होंने आगे जाके, वो भी हम करेंगे। ठीक है, प्रणाम जी, प्रणाम हाँ जी। जी प्रणाम जी। तो ये बेस्ट सूटेड था यहाँ पे। हाँ जी मीनू दीदी प्रणाम जी। ये ऐसी शोभा नहीं है जैसे अपने घाटों में हुई थी कि 2 मंदिर तक वैसे और फिर आगे जैसे मिलान करेंगे जैसे घाट में किया था ना। हाँ जी मुझे ना मुझे घाट अभी ज्यादा अच्छे से आते नहीं है, पर आई थिंक वहां पर 2 भोम और फिर बिल्कुल दो ऊपर हाँ, 3 भोम फिर आगे ऐसे जाते जाते वैसे ना ऊपर आगे भी हैं। जाते थे जैसे हाँ जी अभी ना, तो बिल्कुल, ऐसे वहां पर 5 भोम जाते हैं या 10 जाते हैं बस। जाएंगे तो हाँ जी थोड़ा मन में आ रहा था कि ऐसा ही है क्या जैसे हाँ बता जी रहे। बिल्कुल बिल्कुल सही, अति सुंदर। हाँ हाँ ठीक जी है, हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साहब जी, अब समय होने वाला है, मैं आपको अगली अगली लाइन बता देती हूँ। अब मुझे ये बताइए सुंदर साहब जी, मैं आपको सिर्फ बड़ो वन के वृक्षों के बारे में बता रही हूँ, ये तो हुई बॉर्डर की बात। बॉर्डर तो हम सब सुंदर साहब को होपफुली क्लियर हो गया, उसके बाद हम और नक्शों से समझेंगे ना, तो राज्य की मेहर तो है ही होगी क्या, उनकी तो हर पल बरस रही है, जरूर खड़े नक्शे भी इनके राज्य की मेहर से तैयार होंगे, खड़े दृश्य में देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। अब मुझे एक बात और, यहाँ पर इनके इनके ना डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट रो में पहली हार में पश्चिम की तरफ इनके डिस्टेंस ये हैं 120 120 120 120 और 8। अब दूसरी हार में यही कि ये वृक्ष दूर क्यों रह जाए, तो उस पूरे 488 को आप 4 संधे है ना, 1 2 3 और 4, 4 से बराबर डिवाइड कर दो तो आपके पास क्या आता है सुंदर साहब जी, 122। अब बिल्कुल 122 22 मंदिर का डिस्टेंस कर दिया, बिल्कुल सॉरी 122 122, और ये वृक्ष पूरा बॉर्डर के ऊपर पहुंच गया। अच्छा यहाँ पर दूसरी हार में ये बीच में मैंने बनाए नहीं है, ये मेरे लिए क्योंकि फर्स्ट टाइम नक्शा बनाया ना सुंदर साह जी, यहाँ पूरे ये केले के वृक्ष चलते आ रहे हैं, ये पूरा भरा हुआ है हमारे केलों के प्यारे प्यारे वृक्षों से। तो पहले 120 के 4 और फिर 8, और लास्ट में ये दूसरी हार में पूरा एग्जैक्ट डिस्टेंस 122 का, ताकि इधर भी बॉर्डर पे ताड़वन के और इधर मधुवन के बॉर्डर पे ये वृक्ष लग जाए जाके, और कोई जगह इधर उधर ना बचे। बिल्कुल सेम टू सेम तीसरी हार में भी ऐसा ही हुआ, 122 22 मंदिर की दूरी पर ये वृक्ष आ चुके हैं। अब ये तो हमने किया दक्षिण से उत्तर की ओर, ठीक है, अभी हमने चौथी हार इसकी करनी है, दैट इज वेरी वेरी स्पेशल, वो हम आज नहीं करेंगे, उसमें एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा है क्योंकि, और उसमें और बहुत सारे तथ्य छुपे हुए हैं, बहुत सारी शोभा छुपी हुई है। अब इधर से इधर जाना है तो कितने मंदिर है, हमने कर लिया दक्षिण से उत्तर, तो हमें समझ में आ गई 120 था, और फिर बार 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 मैं इसलिए लिख रही हूं सुंदर साह जी, ताकि हमें साथ साथ ही याद भी होता जाए, और यहाँ पर पूरा 122। ये तो हुआ दक्षिण से उत्तर का हिसाब है ये।
अब मुझे बताइए पश्चिम से पूर्व की तरफ क्या हो रहा है, ये हमने करना है सुंदर सार की। हाँ जी, तो यहाँ 120 है ना, तो पश्चिम से पूर्व यहाँ भी 120 ही है, 120 मंदिर की दूरी इस तरफ भी बिल्कुल इसी प्रकार है। यहां पर मैं लिख देती हूँ 120 मंदिर की दूरी पूर्व से पश्चिम भी इतनी आई। अब यहां पर 122 है ना, तो पूर्व से पश्चिम भी उन्होंने 122 ही रखी है सिमिट्री के लिए। अब मुझे ये बताइए 120 हो गए, 122 हो गए, कितने हो गए टोटल 242, 120 जमा 122 कितने हो गए 242 पूरे हो चुके हैं। कितने मंदिर बचे हैं सुंदर साथ जी, केल के मूल के कितने मंदिर हमारे पास बचे हैं, कितनी इनकी चौड़ाई थी आपको याद है ना? हाँ जी, कितनी चौड़ाई है हमारे पूरे पूर्व से पश्चिम की ओर सुंदर साथ जी, 300 मंदिर की चौड़ाई थी हमारी। तो 300 में से 120 इन्होंने ले लिए, 122 इस संध ने ले लिए, 300 में से 242 पूरे हो चुके, तो यहाँ सिर्फ 58 मंदिर हमारे पास और बचे हैं और केल के मूल बिल्कुल उनकी शोभा यहाँ पर पूरी होती है। तो यहाँ पर देखिए पहले 120 और 8, फिर 122, 122 और चौथी लाइन तो बिल्कुल ही डिफरेंट है, वो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि नॉर्मली इनमें डिस्टेंस कितना होता है, शुरू से 125 मंदिर का चला आ रहा है, क्योंकि यहां से अब केल वन शुरू हो जाने हैं हमारे, तो यहाँ पूरे 125 मंदिर का डिस्टेंस यहीं से बॉर्डर से ही होना शुरू हो जाएगा और फिर पूरे श्री केल वन में 2000 मंदिर इन्होंने ऐसे ही चलते जाना है। 125 मंदिर की दूरी पूर्व से पश्चिम हो चाहे उत्तर से दक्षिण हो, पूरा एक स्क्वायर 125 मंदिर का बना के इन्होंने अपनी हारे आगे लेके चले जाना है। सिर्फ केल के मूल में ऐसी शोभा आई है, डिफरेंट डिफरेंट। और ये होने से क्या हुआ है और इनकी जमीन जो हम शुरू से लेकर चले थे ऐसी क्यों आई है वो हम कल करेंगे, अभी हम जयकारा भी लगाएंगे। मैं रिपीट करूं? हाँ जी चांद कमल आंटी, थैंक यू। सबसे पहले मैं एक बार यहां पर रिपीट करती हूँ, ठीक है? ओके चांद कमल आंटी, आप एक बार अनम्यूट कीजिएगा, ठीक है? आप एक बार हैंड रेज कीजिए, मैं फिर अनम्यूट करने में इजी होगा। आप मुझे साथ, हाँ जी मुझे मिल गए, हाँ जी एक बार अनम्यूट कीजिए चांद कमल आंटी। हाँ जी खुल गया, आप मुझे बस साथ साथ बताते जाइएगा इन दोनों में कितना अंतर आया पहले बॉर्डर वाले वृक्षों में। 120, हाँ जी ये 120 क्यों है, क्योंकि ये 30-30 मंदिर की दूरी पर वृक्ष है ना, पांच वृक्षों में चार संधे और एक वृक्ष दूसरे से 30 मंदिर दूर, यहां तक आपको पता लग गया ना, है ना? तो ये पूरे बॉर्डर वाले सेम 120 120 120 और कितने मंदिर की जगह बच गई यहाँ पे, आठ मंदिर तो पूरे 488 पूरे हो गए। अब ये हमने ये ऐसा क्यों करना पड़ा चांद कमल आंटी, ये इसलिए करना पड़ा क्योंकि इन वृक्षों को ना हम हिला नहीं सकते थे, ये बड़ो वन में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उनकी 250 भोम जो ऊपर जानी है ना, तो इन वृक्षों उनमें हिंडोले भी लगे हैं, उनमें नहरे चह बच्चे भी आए हुए, उनको हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते थे, है ना? तो इन वृक्षों को हिलाना बहुत मुश्किल है, तो इनको ना हिलाते हुए आठ मंदिर लास्ट में छोड़ दिए गए, ठीक है? अब अगली हार तो एडजस्ट की जा सकती है ना, ये तो केल के मूल की अपनी हार है ना? तो उन्होंने 488 मंदिर को पूरे चार संधों, 1 2 3 4 संधों में डिवाइड किया तो क्या बन गया 122, है ना? तो वही आठ मंदिर दो दो मंदिर सबको दे दिए ना, तो 120 के 122 हो गए। तो ये कितनी कितनी दूरी पे आए आप रिपीट कीजिए, 122 की। तो क्या इसमें कोई मंदिर बचता है लास्ट में? नहीं, जैसे यहाँ आठ मंदिर बच जाते हैं ना, यानी बचेंगे नहीं। तीसरी हार में क्या हुआ, तीसरी में भी 122,
हाँ जी बिल्कुल सही, तीसरी में भी 122, यहाँ भी बिल्कुल बॉर्डर पे वृक्ष लग गए। चौथी हार अभी हम कल करेंगे आराम से, पर रफली मैंने बताया क्योंकि आप देख रहे हो ये वृक्ष कहीं और ही चला गया हुआ ये है ना, तो इनमें 125 25 की दूरी कर दी, क्योंकि हमारा जो केल वन है ना वो पूरे 500 मंदिर है, अच्छा तो इन्होंने पूरे 500 मंदिर तक अपना फैलाव कर लिया, थोड़े और बढ़ा लिए, और फिर पूरा जमुना जी तक ये ऐसी शोभा लिए हुए जाएंगे, इसलिए 125 किया इन्होंने, 500 कवर करने के लिए अब। ठीक ठीक है, और अब आप ऐसे याद रखो कि उत्तर से दक्षिण 120 था ना, पूर्व से पश्चिम भी इनकी हारों में 120 का ही फर्क रहा, सेम टू सेम। उन्होंने बोला स्क्वायर बन जाए पूरा ना, स्क्वायर टाइप का, जैसे स्क्वायर नहीं बनेगा वैसे। तो थोड़ी सा यहाँ भी टेढ़ा। 122 था इधर उत्तर से दक्षिण, तो पूर्व से पश्चिम कितना है आप बताओ, सेम टू सेम, नहीं 120 122। सेम इधर मैं इसको फिर से लिखती हूँ एक बार, ठीक है, ये देखो ये पूर्व से पश्चिम कितना है 120, 120 उत्तर से दक्षिण, तो पूर्व से पश्चिम भी इनका अंतर कितना है, सेम टू सेम 120। ओके 120। हाँ जी, और इनका कितना डिफरेंस है 122, हाँ तो उत्तर से दक्षिण भी उन्होंने इतनी सिमिट्री रखी है, क्योंकि और बहुत कुछ नॉन सिमिट्रिकल हो रहा है, तो उन्होंने कहा ये डिफरेंस तो सेम रखो यहाँ पे, तो ये कितना है, ये भी 122। ठीक है, अब मुझे बताओ ये कितनी लंबाई थी टोटल, बची कितनी अब इसकी, इधर ये से पूर्व कितना से था, पांच पश्चिम, सौ 500 मंदिर का था। नहीं, पूर्व से पश्चिम कितनी थी, ताड़वन की चौड़ाई है ना, जैसे ताड़वन ताड़वन 510 मंदिर का लंबा और चौड़ा कितना है, 17 की कितने 17 हाथ, हारे थी, 17 की 17 की10 17 हारे थी, 10 10 10 10 हारे, 300 510 300 और 300, 300 आ गए, 300 क्योंकि आ गए, 1200 का लाल चबूतरा होता है ना, तो 300 का ताड़वन बच 300 आ गए, जाता हाँ ध्यान आ है गया। ना, तो ये भी 300 मंदिर का ही चौड़ा है। अब आप 122 मंदिर इसमें ले चुके हो, 120 इसमें ले चुके हो, 22 इसमें ले चुके हो, तो बाकी सिर्फ तीसरी और चौथी हार में 58 ही बच पाते हैं और 300 पूरे हो जाते ठीक है ठीक। हैं। ठीक है, अरे वाह, वेरी गुड, प्रणाम प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। जी। हाँ जी सुंदर साहब जी जयकारा लगाते हैं, हाँ जी चांद कमल आंटी जयकारा लगाते हैं, बोलो हाँ जी, बोलो श्री श्री प्राणनाथ प्राण, प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री पन्ना धाम की जय, बोलो श्री सुंदर साथ जी की जय, बोलो श्री धाम के धनी की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी।